हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर करंट अफेयर्स ऑफ 13 अप्रैल। 13 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वाले आप टेलीग्राम में जाके हमारे चैनल का नाम सर्च करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। डेली करंट अफेयर वीडियोज़ के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट स्टार्ट दिस सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च व्हीकल, इसरो के किस लॉन्च व्हीकल द्वारा हैज प्लेस 36 वन वेब सैटेलाइट इन टू द ऑर्बिट। देखो, वन वेब सैटेलाइट ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी के सैटेलाइट्स हैं एंड इसको इसरो के लॉन्च व्हीकल द्वारा प्लेस किया गया। तो आपको इस लॉन्च व्हीकल का नाम बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉन्च व्हीकल Mark III LV M3। देखो, GSLV Mark III ये वही है इसका नाम। अब लॉन्च व्हीकल Mark III हम जानते हैं। ओके, दिस इज द हैवीएस्ट एंड द बिगेस्ट रॉकेट ऑफ इसरो। अब इसे क्यों लॉन्च किया गया, वन वेब सैटेलाइट, 36 वन वेब सैटेलाइट्स का? बेसिकली टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी एंड कनेक्शन। ओके, आपको याद रखना है। एंड अगर मैं लॉन्च व्हीकल Mark III की अगर मैं बात करूँ, अगर इसके पेलोड की टोटल बात करूँ तो 8000 kg तक ये पेलोड ले सकता है। एंड अगर जॉइंटली इन 36 वन वेब सैटेलाइट्स का मैं वेट आपके साथ शेयर करूँ तो 3600 kg ही है, अराउंड 8000 तक इसकी कैपेसिटी है, जिसे GSLV Mark III या लॉन्च व्हीकल Mark III द्वारा लॉन्च किया गया। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ये वन वेब सैटेलाइट किस कंपनी है, ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी के सैटेलाइट्स है। सेकेंड क्वेश्चन इज द गवर्नर R N Ravi ग्रांट्स असेंट टू द बिल बैनिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग। ही इज द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। देखो, मुख्यमंत्री MK Stalin हैं एंड R N Ravi ये हैं गवर्नर तमिलनाडु के। नाउ अब इसमें क्या किया गया, बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग पे प्रतिबंध लगाया गया। ऑनलाइन गेमिंग, जो ऑनलाइन गैम्बलिंग आप देखते हो, देखो ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु पहला स्टेट बना, इसके पहले आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका ऑलरेडी इस तरीके का ये इम्पोज कर चुके हैं, जहाँ ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी पे प्रतिबंध लगाया गया। अगर आप तमिलनाडु से हैं, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको 1 साल की सज़ा भी हो सकती है, 5 लाख तक का फाइन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप करते हो, बेसिकली अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो जिनको हम बुकीज में आई थिंक बुकी ही बोलते हैं, जो सट्टे वट्टे लगवाते हैं, तो अगर आप उस तरीके का काम करवाते हो तो आपको 10 लाख की सज़ा भी हो सकती है, एंड 10 लाख का फाइन होगा एंड 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। देखो, अभी ऑनलाइन गैम्बलिंग की अगर मैं बात करूं, अब Dream11 से मुझे नहीं लगता इससे बड़ी ऑनलाइन गैम्बलिंग है, बट वो लीगल है। अगर आप देखेंगे उसमें आपका 30% TDS कटता है अगर आप 10,000 से अबो जीतते हैं, बट स्टिल देयर इज अ रिस्क ऑफ, वहाँ पे भी आपकी मनी का फाइनेंशियल रिस्क रहते हैं, वहाँ भी आप सट्टे तो आप देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा गैम्बलिंग होती है। हेड टू हेड आप लगा सकते हो, Dream11 तो आप लोग लगाते ही हो, आई थिंक सभी लोग यूज़ करते हैं, वो एक ड्रीम ही है बेसिकली। तो अभी तमिलनाडु ने प्रेजेंटली बेसिकली इस पर प्रतिबंध लगाया, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। MK Stalin मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर R N Ravi हैं तमिलनाडु की, कैपिटल इसकी चेन्नई, ऑफ कोर्स ये आप जानते हो। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द गंदामर्दन हिल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये कौन सी इंडियन स्टेट में है ये आपको बताना। तो ये आपको मिलेगी उड़ीसा में। देखो, इसमें डिफरेंट प्लांट्स एंड स्पीशीज, अराउंड 1700 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नाउ इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया, यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल भी अलो नहीं किया जाएगा। तो ये आप याद रखें, उड़ीसा में आपको मिलेगा। आपको मैं लद्दाख की बताता हूँ। लद्दाख की पहली बनी थी YATSO। ओके, तो मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, YAYA। दिस इज़ द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ लद्दाख। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड दिस इज़ गंदामर्दन हिल रेंज, ये आपको उड़ीसा में मिलेगी, जिसे अभी रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज न्यू रिपोर्ट टाइटल ट्रिपल थ्रेट। एक रिपोर्ट रिलीज किया गया, आपको बताना कि किसके द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यूनिसेफ द्वारा इसे रिलीज किया गया। देखो, अब ये रिपोर्ट है किसके लिए, बेसिकली वाटर रिलेटेड इश्यूज के रिगार्डिंग इस पे रिपोर्ट पब्लिश किया गया। मार्च 2023 में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। देखो, अगर मैं इसमें आपको फैक्ट्स बताऊँ, इसमें कितने लोग, अगर अराउंड 600 मिलियन पीपल्स ऐसे हैं ग्लोबली अगर मैं बात करूं, जो बेसिकली जिन बच्चों को 600 मिलियन अगर मैं बात करूं, लोग ऐसे हैं जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है, वो साफ पानी पीने लायक उनको नहीं मिलता। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया, एंड इस रिपोर्ट में कहा गया कि
हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है, यू नो 17 SDG हैं, 6 नंबर को वायलेट हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है। देखो 6 SDG कहता गया कि सेफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, आपको साफ पानी मिलना चाहिए एंड आपका इन्वायरमेंट पानी के रिलेटेड टू वाटर एक्टिविटीज ये क्लीन होना चाहिए, तो वो बिल्कुल नहीं हो रहा, उसका तो वायलेशन हो ही रहा है। SDG 6 जरूर याद रख लीजिएगा। अब ये ट्रिपल थ्रेट क्या है, कौन कौन से ट्रिपल थ्रेट्स हैं बेसिकली इस रिपोर्ट में जो रिलीज किए गए? देखो ट्रिपल थ्रेट में थ्रेट ऑफ डिजीज नंबर 1, थ्रेट ऑफ क्लाइमेट रिस्क सेकेंड आ गया, एंड थर्ड इज इन एडुकेट वॉश। वॉश स्टैंड्स फॉर, वॉश की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। दिस स्टैंड्स फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो 3 थ्रेट्स हैं हमारे, ट्रिपल थ्रेट्स हैं बेसिकली, पहला थ्रेट है हमारा थ्रेट ऑफ डिजीज, सेकेंड थ्रेट है हमारा क्लाइमेट रिस्क का, थर्ड थ्रेट है हमारा इन एडुकेट वॉश। तो ये रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा रिसेंटली रिलीज किया गया था, जिसमें 600 मिलियन चिल्ड्रन जैसे हैं जिनके पास साफ पानी पीने का एक्सेस नहीं है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया, ये आप याद रखें, किसके रिलेटेड है, इतनी सी जानकारी आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज पास्ड एन LGBTQ बिल 2023, एंटी होमोसेक्सुअलिटी बिल 2023। यू विल बी सरप्राइज्ड, एंड इस कंट्री में अगर कोई भी पाया जाता है कि वो लेस्बियन है, गे है, बायसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, क्वीर है, तो ये इसकी फुल फॉर्म लेस्बियन गे बायसेक्चुअल ट्रांसजेंडर एंड क्वीर, अगर पाया जाता है तो उस पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा, उस पर रोकथाम की जाएगी, उसे कंट्री से बाहर भी निकाला जा सकता है, उस पर सजा भी हो सकती है। दिस आई नो दिस इज अ शॉकिंग, बट काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला है डिफरेंट कंट्रीज, इसमें ट्रांसजेंडर आर ऑल्सो द ह्यूमन्स, इसमें उनके हाथ में कुछ नहीं होता, बट दिस कंट्री इज समथिंग डिफरेंट, जो एंटी सेक्सुअलिटी होमोसेक्सुअलिटी बिल पास कर रहा है। तो कौन सा कंट्री बना है ऐसा करने वाला? सो दिस कंट्री इज उगांडा। ओके, याद रखें। रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज चूजन ए ट्रांसजेंडर पर्सन। सी, हमारे इंडिया में इनको प्रमोट किया जा रहा है, एंड डिफरेंट कंट्रीज, उगांडा की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या चल रहा है, ट्रांसजेंडर पर्सन जिनका नाम है मंजमा जोगाती, हैज ए पोल आइकन ऑफ जो द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो पोल आइकन इन्हें चुना गया किस स्टेट द्वारा, किस स्टेट की पोल आइकन इन्हें चुना गया? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़। इलेक्शन कमीशन से मुझे याद आया, रिसेंटली आम आदमी पार्टी को नेशनल स्टेटस दे दिया गया, वो आप याद रखें, 6% टोटल वोट्स ऑफ द टोटल लोकसभा में जितने भी वोट्स पड़ते हैं उसका 6% वोट्स मिले होने चाहिए, उसके बाद वो डिफरेंट कुछ क्राइटेरियाज हैं उसके अकॉर्डिंग, कल मैं पूरा डिटेल आपको बता चुका हूँ, आम आदमी पार्टी को नेशनल स्टेटस दे दिया गया। तो कर्नाटका में बेसिकली इन्हें मंजमा जोगाती, इनको बेसिकली स्टेट आइकन चुना गया था। रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अंडर प्रोजेक्ट हिमशक्ति। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बेसिकली देखो प्रोजेक्ट हिमशक्ति है क्या, बेसिकली जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स बेसिकली जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को चाहिए होंगे अंडर दिस प्रोजेक्ट हिमशक्ति, तो वो चाहते हैं क्या है कि हमारे इंडिया से ही प्रोक्योर किए जाएँ, हमारे MSME सेक्टर से लिए जाएँ। देखो MSME सेक्टर से अगर हम ये सारी प्रोक्योरमेंट करेंगे, डिफेंस रिलेटेड आइटम्स लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी इकॉनमी भी बढ़ेगा, MSME में जॉब्स का क्रिएशन भी होगा एंड इकॉनमी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो दिस इज प्रोजेक्ट हिमशक्ति, एंड ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो हुआ था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तहत, जिसमें प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का। देखो 2 और प्रोजेक्ट्स जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किए गए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इस प्रोजेक्ट्स के नाम आप सिंपली याद रख लीजिएगा, प्रोजेक्ट सरंग एंड प्रोजेक्ट आकाश तीर। प्रोजेक्ट सरंग एंड प्रोजेक्ट आकाश तीर आर ऑल्सो द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं, तो आप एक बार याद रख लीजिएगा, मे बी कहीं एग्जाम में पूछा जाए तो आप आंसर कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा रिलीज बाय द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन पायलट्स इन द वर्ल्ड। किस देश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वुमेन पायलट्स आपको देखने मिलेंगे? सो ये जी हमारा इंडिया। यू नो अगर ग्लोबली बात करें, ग्लोबली इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5% वुमेन्स हैं जो ग्लोबली पायलट हैं, बट अगर मैं पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूँ तो 15% हमारी वुमेन पायलट्स हैं। तो इंडिया नंबर 1 पे आता है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन पायलट इन इंडिया की अगर हम बात करें तो 15%। ओके, याद रखें, अभी रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज किया गया, एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक है हमारा, एंड एक और है एयर काउंसिल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के हेडक्वार्टर्स आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में मिलेंगे। इंडिया इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सागर मंथन डैशबोर्ड। ओके, देखो सागर मंथन डैशबोर्ड रिलीज किया गया, सर्बानंदा सोनोवाल द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। अब इसके तहत है गया बेसिकली मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का ये सागर मंथन, जितने भी
प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो सारी चीज़ें ऐसे सब कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अंडर दिस सागर मंथन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, तो याद रखें। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 10 करोड़, 10 करोड़ का पेनल्टी लगाया है जी फॉर नॉट टैकलिंग पोल्यूशन इन द वेम्बनाड एंड अष्टमुड़ी लेक। ये दोनों लेक्स कहाँ पे हैं? ये दोनों रामसर साइट्स हैं, वेम्बनाड एंड अष्टमुड़ी लेक, ये दोनों रामसर साइट्स हैं। कौन से इंडियन स्टेट्स में आपको मिलेगी? वेम्बनाड लेक तो आई थिंक इट्स ऑब्वियसली वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, जिसकी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 29 point something जो इसकी जो लेंथ है एग्जैक्टली मैं एक बार चेक कर लूँगा, आप प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा। अराउंड 29 किलोमीटर अप्रॉक्स है, जो सबसे लॉन्गेस्ट लेक भी हमारे इंडिया की है। ओके, एंड अष्टमुड़ी लेक्स, ये दोनों लेक्स रामसर साइट्स हैं एंड दोनों ये केरल में पड़ते हैं। तो एनजी अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा बेसिकली 10 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया, इसके रिलेटेड जो भी इस साफ सफाई जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया गया तो इस पर प्रति फाइन लगाया गया बेसिकली। रिसेंटली द फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो कहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल? दिस हैज़ बिन ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, द मिनिस्ट्रीज हरदीप सिंह पुरी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली। एंड यू नो अंडर मिशन स्वच्छ तो 2024 अक्टूबर तक हमने 1000 cities को इंडियन सिटीज़ को 3-star गार्बेज फ्री बनाना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द प्रोजेक्ट संजीवनी? संजीवनी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया किस स्टेट द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा? करेक्ट आंसर इस हिमाचल, सुखविंदर सिंह सुक्खू इज द मुख्यमंत्री, इज द सीएम। बेसिकली इसको लॉन्च किया गया, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव टू अपलिफ्ट द लाइवलीहुड ऑफ स्मॉल डेयरी एंड लाइवली स्टॉक ऑनर्स, जो छोटे मोटे हमारे डेयरी फार्मर्स हैं जो भी कैटल्स पे रिलाई करते हैं, और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया। अंजलि शर्मा आपको याद होगा जो गद्दी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने तंजानिया का अफ्रीका के सबसे हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो को कॉन्कर किया रिसेंटली, अंजलि शर्मा वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। एंड प्रोजेक्ट संजीवनी भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। सो डेट्स ऑल, ये होगी जी आज की करंट अफेयर। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, द कॉप इंडिया एक्साइज 2023 विल बी हेल्ड एट विच द एट कलाईकुंडा एयरबेस इन वेस्ट बंगाल बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो योर आंसर किस कंट्री के साथ ही हमारी एक्साइज होती है। सो डेट्स ऑल, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।